हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोपहर का टाइम है, करीब 1:30 बज रहा है और दिन है आज शनिवार। तो आज कान्हा जी की छठी है, कौन कौन करता है मुझे बताना। और आज मेरे ना मोना की भी बर्थडे है, यानी मेरे छोटे वाले बेटे की, मोंटू की भी बर्थडे है। तो बस मैंने अभी, हमारे यहाँ ना छठी, कान्हा जी की छठी वाले दिन कच्चा पक्का दोनों ही तरह का खाना बनता है। तो अभी मैंने कढ़ी चावल रोटी बनाई है और शाम को मैं उनके लिए हलवा पूड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ अभी मैं बस कढ़ी बना के, कढ़ी भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं और आटा मैंने लगा दिया है। और ये दोनों सो गए हैं तो मैं थोड़ी देर से ही खाना, रोटियां सेकूंगी, क्योंकि ये लोग उठ जाएं तभी मैं रोटियां सेकूंगी। और क्या कहते हैं उसे, और शाम की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। मेरा तो मन था इसकी बर्थडे, हमने कहा चल होटल चलेंगे। और इनके पापा भी बोल रहे थे कि होटल चलते हैं खाना खाने, कब से होटल का खाना नहीं खाया है, कोरोना हुआ है जब से गए ही नहीं है होटल वगैरह खाना वाना खाने। तो ये बोलती चलो बाहर चलेंगी। तो मगर ना ये मोंटू की इच्छा नहीं है, कह रहा नहीं पापा घर पे ही करना है। तो मम्मी आप ना, मैंने कहा तो क्या बना दूँ मैं घर पे, क्या खाना है? तो कह रहा पाव भाजी खानी है। मैंने कहा अरे राम, पाव भाजी तो मैं कभी भी बना दूंगी, कभी तो मुझे फुर्सत लेने दिया करो। तो कह रहा नहीं मम्मी पाव भाजी खानी है, घर पे ही करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, घर पे ही कर लेते हैं। तो बस वही शाम को मैं पाव भाजी बना दूंगी। और सुबह इसकी इच्छा थी कि मम्मी नाश्ते में मेरे लिए चाउमीन बनाओ, बच्चों को तो यही पास्ता, चाउमीन, पाव भाजी, छोले भटूरे यही सब पसंद होता है। छोले भटूरे इसे पसंद नहीं है, छोले भटूरे मेरे बड़े वाले बेटे को बहुत पसंद है, गौतम को। तो इसे पाव भाजी बहुत पसंद है। तो बोला मम्मी पाव भाजी बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शाम को मैं पाव भाजी बना दूंगी, कान्हा जी के लिए हलवा पूड़ी बनेगी। तो आज दो दो है, दो दो काम है, कान्हा जी की भी छठी है और मेरे मोंटू की भी आज बर्थडे है। तो बस वही सब। मैं तो अभी मैं बस खाना बना के फ्री हुई हूँ, बस रोटियाँ सेकनी है। ये लोग सो गए हैं दोनों नाश्ता कर करके, देखो मोंटू भी सो गया है वहाँ, गौतम भी सो रहा है। तो बस मेरा तो सारा काम हो ही चुका है। अब तो पहले तो मैं ना कढ़ी चावल रोटी का ना कान्हा जी को भोग लगा दूंगी वो अभी, और शाम को फिर मैं हलवा पूड़ी बनाऊंगी। फिर उनका ना पोशाक पहनाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, जैसे अपने बच्चों की होती है ना, हमारे यहाँ पर बच्चों को उस दिन पूरा कपड़ा पहनाया जाता है, जो बच्चा नया बच्चे को। तो वही सब कान्हा जी के साथ भी, तो कान्हा जी के लिए हम नए कपड़े पहनाएंगे और उनका टीका वीका करेंगे और उनको भोग लगाएंगे हलवा पूड़ी का। अभी मैं उनको कढ़ी चावल का भोग लगाऊंगी, कढ़ी चावल और रोटी का। तो वही सब मैं कर रही थी, काम में ही लगी थी आज। तो मैंने कहा चलो आज अपना वीडियो भी बना लेते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं और कोई वीडियो नहीं बन पाता है, कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो बस यही सब था आज का। और चलिए मैं थोड़ी देर से आपसे मिलती हूँ, जब तक मैं इन लोगों के लिए रोटियां वगैरह सेकूँ, इनको उठाऊँ, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। फिर मैं वही शाम की तैयारी करूँगी तो वही टाइम हो जाएगा मुझे, तो थोड़ा आराम भी कर लूँगी मैं 1 घंटे। तो बस तो दोपहर का खाना यहाँ पे तैयार हो चुका है, कढ़ी बनाई थी तो यहाँ कढ़ी बन के तैयार हो गई है। और कढ़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी और मैंने आटा भी लगा दिया है। जब बच्चे खाएंगे तब मैं हाल गरम गरम सेक दूंगी रोटियां, और चावल मैंने बनने रख दिए। तो यहाँ खाना पूरा तैयार हो गया था। और खाना पीना खाने के बाद गोलू मार्केट चला गया था, मोंटू का कुछ सामान लाना था थोड़ा सा, तो बस यहाँ ये बैलून लेके आया है तो यहाँ पर वही फुला रहे हैं दोनों के दोनों। और मोंटू तो मैंने कह रहा था मम्मी मुझे ये बैलून वगैरह ये सब नहीं लगाना है, मैं बड़ा हो गया हूँ ये वो, मगर गौतम की इच्छा थी तो उसने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और बैलून वगैरह लगा के, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत ही लगाए थे। तो यहाँ शाम का टाइम है और मैं सोई तो नहीं, खैर बच्चे गोलू गया था सामान लेने, बस अपने लिए चाय बनाई है। मुझे पता नहीं एकदम जुकाम सा सुबह ही हो रहा था मुझे, अब ज़्यादा वैसा हो रहा है, बहुत छींक आ रही है। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है, मैं चाय पी लूँ। और मैंने कान्हा जी के लिए हलवा बना ही दिया है और ये सब सब्जियाँ तैयारी कर ही ली है ज़्यादातर लगभग, और पाव भाजी ही तो बननी है। और यहाँ गोलू मोंटू ने देखो डेकोरेट कर लिया, और सारे बैलून निकल के भाग रहे हैं पंखे से। चलिए मैं चाय, मेरी आंखें देखो कैसी हो गई। यहाँ मैंने चाय पीने के बाद फिर वही कान्हा जी के लिए हलवा वगैरह सब बना लिया था, पूड़ी वगैरह भोग की। तो ये छठी जो होती है वो दिन छिपे ही पूजी जाती है, तो दिन छिपने लगा था तो बस मैंने कान्हा जी को जाके अच्छे दूध वगैरह से उनको नहला के, और उनको अच्छे पानी से फिर नहला के अच्छे से उनका, और फिर उनको
पहुंच के मैंने नई पोशाक पहनाई, तो नई पोशाक पहनाने पर बस उनका वही श्रृंगार किया थोड़ा बहुत, और भोग जो मैंने बनाया था हलवा पूड़ी का वो लगाया था। और यहाँ देखिए मैंने उनके लिए पोशाक लेके आई थी नई, तो वो मैंने उनको यहाँ पर पहना दिए, और मैं इनको यहाँ पर उनको तैयार कर दूँगी अच्छे से, और फिर वही रोरी चावल से उनका टीका करके सब कुछ, और जो जैसे बच्चे के होती है वही उसी तरह से ही करते हैं। तो यहाँ मैंने बस कान्हा जी को पूरा श्रृंगार कर दिया है, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है उनकी ये ड्रेस भी। और उसके बाद मैंने फिर उनको भोग लगाया, और हमारे यहाँ पर उस दिन काजल लगाया जाता है वो भी पार के चम्मच में, तो यहाँ मैंने उनको भोग लगा दिया। उसके बाद मैंने ना दिया वगैरह जलाया, धूपबत्ती वगैरह वो सब करने के बाद मैंने ना एक चम्मच में काजल को जो पारते हैं वही हमारे यहाँ बच्चे के भी लगता है उसी तरीके से, और वही मैंने अपने कान्हा जी के भी वही लगाया। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी के लिए वो काजल पार लूँगी और उनके काजल लगाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने काजल, देखिए आ गया ना इसमें काजल, अच्छे से इसको फूंक मार के ठंडा करके, और बस इनके काजल आँखों में लगा देंगे, टीका लगा दूँगी इनके हाथों में सब जगह, नज़र का टीका ये सब जो लगाते हैं बच्चे के उसी तरीके से। तो बस यहाँ मेरे कान्हा जी के टीका वो काजल लग चुका है। तो बस इसी तरीके से छठी हम कर लेते हैं, और आज भी इनको पालने में बिठा देते हैं, बस आज बैठेंगे कल से ये वही सिंहासन पे आ जाएंगे। तो यहाँ मैं उनको भोग खिला रही हूँ, तो यहाँ मैंने छठी की पूजा कर ही ली है, हो ही गई। मैंने देखिए टमाटर कर लिए हैं, प्याज कर लिए चॉप, और शिमला मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, मटर, गोभी, आलू, और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है। तो बस तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं भाजी। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो मैंने इसमें बटर डाल दिया है, बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्याज डाल दूँगी जो मैंने चॉपर में चॉप करके रखी थी। मैंने पहले ही प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची सब सारी तीनों चीज़ें मैंने चॉपर में ही चॉप कर ली थी, जिससे खूब बारीक चॉप हो गई थी वो। और यहाँ मैंने कुछ दो तीन हरी मिर्ची थी बहुत तीखी थी, तो वो मैंने काट के रखी थी, तो वो मैंने डाल दी है। यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पर टमाटर डालने के बाद मैंने जो शिमला मिर्ची थी वो चॉप करके रखी थी दो बड़ी बड़ी, उनको डाल दूँगी। और मैं यहाँ नमक डाल दूँगी, जिससे कि ना टमाटर पके जाएँ, थोड़े पक जाएँ, और वो अच्छे से पक जाएँगे। तो मैं यहाँ पर कुछ जो सूखे मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी देर ढक के भी रख दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए जो मटर, ये सफल मटर हैं, इनको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था। और जो गोभी थी वो भी मैंने ना गोभी को मैंने अलग से गर्म पानी में ना नमक डाल के इसको भी मैंने पहले उबाल लिया था, क्योंकि आजकल सीजन की नहीं है ना गोभी, तो थोड़ा डर लगता है कीड़े वीड़े का। तो मैंने गोभी को भी पहले उबाल लिया था नमक डाल के। तो बस यहाँ ये सब चीज़ें सब्ज़ियाँ डाल दी। तो यहाँ मैंने सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर ये सब डाल दिया। उसके बाद मैंने 2.5 चम्मच करीब पाव भाजी मसाला डाला था, उनको अच्छे से यहाँ मिक्स कर लूँगी। फिर थोड़ा देर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था, जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाएं। फिर पाव भाजी मैसर जो होता है उससे अच्छे से पूरी सब्जियों को खूब मैस कर लिया था अच्छे से खूब। और आलू मैंने बॉईल करके रखे ही थे, तो बस इस पहले इन सब्जियों को अच्छे से मैस कर लिया है, और आलूओं को मैंने अच्छे से मैस करके रख रखा है। तो बस मैं यहाँ पर ये सब्जियाँ अच्छे से मैस हो जाएंगी, तो इसमें आलू जो उबले हुए हैं वो इनको इसमें मैं डाल दूँगी, और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दूँगी, जितनी भी जैसी भी भाजी आपको चाहिए, गाढ़ी पतली भाजी, तो वैसे इतनी ही पतली अच्छी लगती है, ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है, गाढ़ी गाढ़ी ही। तो बस यहाँ भाजी बन चुकी थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था, तो भाजी बन के तैयार है। तो यहाँ बस मैंने पाव सेकने शुरू कर दिए थे, तो पाव में मैंने थोड़ा बटर वटर लगा के और इनको अच्छे से खूब सेक लेंगे दवा दवा के, पाव बहुत अच्छे थे। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी प्याज और धनिया मैंने अलग से रख लिया था ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ पाव भाजी बन के तैयार है गर्मा गर्म, आप भी आ जाइए। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने थाली जीजा जी को लगा दी थी, क्योंकि जीजा जी आए हुए थे, तो मैंने कहा जीजा जी क्या ना जल्दी खाना खाते हैं, तो बस यहाँ पर ये तो आए थे तो ये तो थोड़ी लेट खाते हैं, हमारे यहाँ लेट खाता है, तो जीजा जी को पहले दे दिया था, उन्होंने खा लिया। फिर वही यहाँ पर हम लोगों ने केक की तैयारी कर ली। तो ये देखिए मैं
का जो केक है वो आ चुका है और यहाँ पर सब मैं केक कटिंग करेगा। बर्थडे हो चुकी है। कुछ नहीं, बढ़िया हो रहे हैं। पाव भाजी अच्छी हो? अब तो मैं खाना बना दूँ, खा लो तुम, सेक लेते अपन दोनों। तो यहाँ पर बस ये खाना खा रहे हैं, उसके बाद मैं खाऊंगी, बच्चों ने खा ही लिया है। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो सब्सक्राइब करें। तो मैंने यहाँ पर जो मेरे को देख रहे हैं वो 74% लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी वीडियो को देखते हैं, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो 25% लोग हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। बाय बाय।